गाइस यहाँ पर देखो चारों ओर केवल आपको यूट्यूबर्स नजर आएंगे। इधर चल रहा है, यहाँ पर अभी लोग जो है अपने अपने जर्नी बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स जो है वो खोला था। साथ ही इधर एक इधर श्रुति दी, मतलब यहाँ पर आपको अभी मैं जितने भी लोगों को दिखा रही हूँ ये सारे लोग यूट्यूबर्स ही हैं। उधर ऐसे ये हम लोग भी करते हैं। सबसे पहले ये जगह कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है हाँ? अभी आगे आगे देखो और अच्छा अच्छा चीज दिखेगा आपको। ठीक है, तो आप बताओ कि आप कैसे YouTube में आए, क्या रहा था जर्नी आपका? मैं बैठ जाता हूँ। तो हेलो पीपल, मेरा यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को पता भी नहीं था कि यूट्यूब से अर्निंग होता है, लाइक मोनेटाइजेशन कुछ होता है। मेरा यूट्यूब चैनल इस तरह से स्टार्ट हुआ था, मैं जब अपना जर्नलिज्म के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे को समझ नहीं आता था कैसे प्रिपेयर करें। इस तरह पॉलिटिकल साइंस कर रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते थे कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, लाइक बहुत सारे। तो अलग अलग इंडिविजुअल सबको बता के मैं थक गई थी। तो फिर मैंने अपने छोटी अपने डिपार्टमेंट की छोटी से बात किया, तो सर ने कहा एक वीडियो बना लो। तो मेरा फर्स्ट वीडियो था कि सेंट जेवियर्स कॉलेज का पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करें, और फर्स्ट ही टाइम में वो मेरा 2000 व्यूज चला गया। फिर धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट कमेंट करने लगे, तो ऐसे ऐसे कॉलेज में मेरा थोड़ा फेम वगैरह था तो सारे डिपार्टमेंट से मेरा थोड़ा परिचय इंट्रो टाइप में था, तो सबसे मैंने वीडियो बनवाया। तो इस तरह से मेरा ऑलमोस्ट 35 डिपार्टमेंट्स कवर हो गया। उस तरह से फिर रांची के ऑलमोस्ट सारे लोग कनेक्टेड हो गए। एट द सेम टाइम फिर कोविड का टाइम आया तो बाकी सारी चीज़ों में लोगों को बहुत आसानी हुआ, लाइक डॉक्टर से भी कंसल्ट करना हो तो ऑनलाइन सब चीज़ हो गया। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टेट रह रहे हैं वो कैसे कॉलेज आकर पता करें, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल आना है और उनके स्टेट में ट्रेन चल ही नहीं रही है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो फिर मैंने ये सब पर वीडियो बनाने लगा, फॉर्म कब आ रहा है, मारवाड़ी कॉलेज कैसा है, वहाँ कैंपस कैसा है। इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट रांची के सारे कॉलेजेस कवर किए और इस तरह से ऑलमोस्ट रांची के सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मेरे सब्सक्राइबर बने। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को ईमेल आया कि आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए वो हो चुका है। फिर बोला था ये क्या है, फिर मैंने यूट्यूब का ट्यूटोरियल्स वगैरह देखा तो पता चला अच्छा अच्छा मेरे को पैसे भी मिलेगा। इस तरह से हुआ तो फिर अभी मेरा जर्नलिज्म में न्यूज़ वगैरह मेरा जॉब लगा, तो फिर उसका जो कंटेंट होता है न्यूज़ का वो भी डालने लगी। फिर थोड़ी घुमक्कड़ टाइप की थी, घूमती फिरती थी, तो फिर फूड ब्लॉगिंग भी करने लगी। तो ओवरऑल मतलब होता है ना किसी का पर्टिकुलर चीज़ पर जाता है, मेरा सारी चीज़ों पर वीडियो चला जाता है। तो किसका नाम है? मेघा, मेघा दीदी, मेघा भैया क्या चिल्लाएंगे, हैप्पी यूट्यूबर्स मीट। यस हाँ, ओके गाइस, तो देखा आपने आज का हमारी यूट्यूबर्स मीट, जहाँ पर हमने बहुत सारी मस्ती की और साथ ही मैंने आपको दिखाया कि यूट्यूबर्स लोग किस तरह से कंटेंट बनाते हैं, साथ ही आप तक पहुंचाते हैं। और हमारे साथ ये नीतीश भैया
और ये श्रुति श्रुति जी है हमारी, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप लोग यहाँ पे आए, कितना कोऑपरेशन था, बहुत ही सपोर्टिव लगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये फन और डांस और मस्ती वाला वीडियो मजा आया होगा, और अभी आगे भी करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को देख रहे हो और सब्सक्राइब ये बिना देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, और रेड वाले सब्सक्राइब बटन को छू के ना टच करके एकदम सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रेड अच्छा नहीं दिखता है। तो अभी तो सपोर्ट करो, बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाती है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड या इट वॉज वेरी नाइस।